What's up guys, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल Coder Boy। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं ध्रिनिक नाम के एक वायरस के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि 18 बैंकों को टारगेट कर रहा है जिसमें SBI भी इंक्लूडेड है। तो अगर आपका अकाउंट SBI या और इन 17 बैंकों में है तो आपको एकदम ध्यान रखना पड़ेगा, सचेत हो जाओ, एकदम अलर्ट हो जाओ। तो ये एक बहुत ज्यादा टेंशन का मुद्दा बन गया है और ये है ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एप्लीकेशन के रूप में आपके फोन में घुस जाता है या बैंक की KYC की एप्लीकेशन कराने के रूप में आपके फोन में घुस जाता है और फिर आगे अपना कांड करता है, बैंक से पैसे निकाल लेता है, आपकी फाइल्स एक्सेस कर लेता है और भी बहुत सारे जो नॉर्मल ये जो है वायरस करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इस वायरस से रिलेटेड, ये वायरस कैसे काम करता है, इस वायरस से कैसे बचा जा सकता है और अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं ये जो हमारा जो वायरस है ध्रिनिक ये हम पर अटैक कैसे करते हैं, मतलब इसके काम करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले आपके फोन में एक SMS आता है भाई साहब, आजकल SMS से सब कुछ है नी, मतलब SMS से ही सारे अटैक्स हो रहे हैं फोन में। फिलहाल ईमेल भी एक मुद्दा है लेकिन SMS बहुत मेन मुद्दा है, एकदम SMS से सब कुछ होता आ रहा है। तो चलिए दोस्तों फिलहाल हम आज के इस वीडियो पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो क्या होगा ना, समझ लो ये जो वायरस है ना, समझ लो आपके फोन में आने वाला है। बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, डरने की कोई बात नहीं है यार, एग्जांपल से ही बात करेंगे। समझो आपके फोन में SMS आया, SMS आपने ध्यान रखा होगा ना, और ये जो SMS है ना ये ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आया है ऐसा ये लोग क्लेम कर रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आ सकता है या बैंक से आ सकता है, किसी से भी आ सकता है। तो क्या होगा ना, उस आपने अगर ध्यान से अपना SMS देखा होगा कभी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या बैंक से आता है तो उसमें ऊपर ऐसे वर्ड लिखे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ TMRBI, TMSBI या फिर बैंक का एकदम अलग से ही वर्ड लिखे होते हैं। तो इसमें ना ये जो ध्रिनिक नाम का वायरस है ना ये कुछ अलग से ही वर्ड लिख देता है, मतलब जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता, समझ लो इन द सेंस कोई मतलब ही नहीं बनता। और उस SMS में क्या होता है ना, एक लिंक होता है और जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे एक APK फाइल डाउनलोड हो जाती है। उस APK फाइल को आप जैसे ओपन हो जाएगी ऑटोमेटिकली आपको ओपन का बटन दबाने की भी जरूरत नहीं है। जैसे आप ओपन हो जाएगी उसमें लिखा होता है आपके घर पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से मैसेज आता है कि भाई आपके जगह पे रेड होने वाली है, घर पे रेड होने वाली है, बचो बचो सावधान रहो, इतने पैसे डालो उतने पैसे डालो। फिलहाल पैसे डालने की तो कोई जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली पैसे उठा लेता है। और ये पूरा जैसे आप APK डाउनलोड करोगे ना ये जो वायरस है ये पूरा एकदम एक्टिव हो जाएगा आपके फोन में और आपके फोन को एकदम कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता रहेगा। आपके की स्ट्रोक, आपका टाइप कर रहे हो वो मॉनिटर करेगा, आपके फाइल एक्सेस, कॉन्टैक्ट, एवरीथिंग, व्हाट्सएप क्या है, व्हाट्सएप आपका फोन नंबर तो फिलहाल होता होगा ही ना, फोन नंबर तो छोड़ो, आपके इम्पोर्टेंट फाइल, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, पैसे, ये सब आपकी चीज हैक हो जाएगी। और ये अगर आपका अकाउंट इन 18 बैंकों में से कोई एक में अगर आपका अकाउंट है ना तो आपको सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि इन 18 बैंक की जितनी भी एप्लीकेशन है ना उसको ये आराम से भेज सकता है, एकदम आराम से हैक कर सकता है, एकदम आराम से खत्म कर सकता है। तो फिलहाल ये मैंने बता दिया आपको ये जो वायरस है ये कैसे काम करता है। तो चलिए दोस्तों अब इससे बचने का तरीका हम जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको देखिए, अगर आपको कोई ऐसे अनजान जगह से ऐसे SMS आ रहा है ना तो आपको एकदम ऐसे तुरंत उस पर एक्शन भी ले लेना है। अगर उसमें कोई लिंक दिया ना तो उस पर लिंक पे तो भूल कर भी क्लिक नहीं करना है। अगर आपने उस पर लिखा है ना कि भाई ये मैसेज SMS जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आया है, ऐसा करके आया है, तो बैंक से आया है, किसी से भी आया है, तो उसमें अगर कोई लिंक दिया है तो आपको तुरंत से क्लिक नहीं करना है। आपको पहले इनकम टैक्स का ऑफिस जाके एकदम अच्छे से कंफर्म करना है। बैंक से आया तो बैंक में जाके ब्रांच में जाओ, सबसे पहले कंफर्म करो कि ये जो मैसेज है ये उनके तरफ से ही भेजा गया है। तुरंत से ऐसे क्लिक कर दोगे तो फिर ऐसे ही कहाँ समझदार से रहोगे ना। और वैसे आजकल ना लोग पहचान जाते हैं कि ये मैसेज कहाँ से है, बैंक से है या फिर कोई ऐरा गैरा सा हैकर है जो हमें फंसाना जाता है, समझ सकते हो। तो और दोस्तों पहले भी मैंने व्हाट्सएप स्कैम से रिलेटेड वीडियो बनाई थी तो उसमें आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल देखना है ना तो आप मजे ले सकते हो उस वीडियो के भी, उसमें आपको थोड़ी और जानकारी मिल जाएगी।
उसमें भी मतलब ऐसे ही है, मतलब इतना ज्यादा खतरनाक तो नहीं है जितना ये वाला वायरस है। उसमें मतलब ना हमें ऐसे, मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ उस व्हाट्सएप स्कैम के बारे में भी। उसमें मतलब ऐसा बोलते हैं लोग, वॉइस मैसेज आता है और एक ऐसा केबीसी में मेरा लॉटरी लगती है, ऐसे 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 मैसेज आते हैं मतलब। तो और उसमें वो काफी फनी भी है वो वीडियो, मैंने थोड़ा फनी कॉमेडी टाइप बनाने की कोशिश की है और आपको एक रियल अच्छा मैसेज देने की भी कोशिश की है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको एकदम हेल्पफुल रही होगी और आप इस दृनिक वायरस के चपेट में ना आ जाए, ऐसी मैं आशा करूंगा। आपकी मेहनत की कमाई कहीं नहीं जानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को यही पर एंड करेंगे। कोई भी लिंक पर क्लिक नहीं करना और सावधान रहे, सचेत रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को यही पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।